हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल इनकार्मिक्स एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। आज हम कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। एक माइक वायरलेस मंगाए थे जिसका हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और उसका टेस्टिंग भी किए थे। आवाज़ आप लोग सुने होंगे, मालूम होगा। आज दूसरा माइक मंगाए हैं अमेजन से, तो आज इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये कैसा है। आप यूट्यूब पर बने रहिए और देखिए कैसा है, दोनों का कंपेरिजन करते हैं। क्योंकि मुझे पहला वाला खास, जो K2 वाला है, ये खास नहीं लगा था। इसमें कोई भी क्वालिटी ऐसा नहीं है कि जिससे लगने लायक है। ये सही नहीं है क्योंकि इसका आवाज़ जो है दब कर आ रहा है, फ्रेश आवाज़ नहीं है। लेकिन आज हम नया मंगाए हैं जो है वायरलेस तो नहीं है लेकिन वायर वाला है, और चेक करेंगे इसका आवाज़ कैसा है। तो फिर आप फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इंट्रो के पास शुरू करते हैं। अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट से खोलते हैं और देखते हैं इसका पैकेजिंग कैसा है, इसका जो अंदर बॉक्स है ये कैसा है। GST प्रो है, लेकिन ये वायर वाला है, ये वायरलेस था। वायरलेस तो अच्छा नहीं था हमारे हिसाब से, और आप लोग देखते होंगे उसका कैसा है, आप लोग बताइएगा। और आज हम ये वायर वाला अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कैसा है। इसका पैकेजिंग जो है कुछ खास नहीं लगा, जितना ही प्रोफेशनल टाइप का था। बॉक्स ओपन हो चुका है और इसमें हम देख रहे हैं कि माइक रखा हुआ है। यह है, काफ़ी सारा वायर दिया है इसमें। ये माइक है और इसमें एक छोटा सा पैकेट है, इसको देखेंगे कि क्या है इसमें। अगला ये कुछ है जो कि सिलिका जेल है। हमें लगता है कि इसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन के लिए है उसके। और ये कुछ है GST प्रो की तरफ से, थैंक यू। एक कुछ मैनुअल है, बताया गया कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। ये सब हम लोग के लायक नहीं है, हम लोग ऐसे करना। और एक है GST प्रो का बैग जिसमें हम माइक रख सकते हैं। बॉक्स को साइड करते हैं और देखते हैं माइक कैसा है। जो पैकेट है इसमें अंदर दिख रहा है कुछ, इसको ओपन करते हैं। इसमें एक क्लिप है जो कॉलर पर लगाने के लिए है दिया हुआ। एक माइक का दिया है, माइक के लिए जो नॉइस का इंसुलेशन होता है यहाँ पर ही लग जाएगा। लग चुका है, ऐसे लगेगा। और एक एक्सटर्नल दे दिया है पिन जो प्लगिंग करने के लिए है कहीं भी। एक बैटरी दिया है। बैटरी को देख लेते हैं, बैटरी पता नहीं ठीक है कि नहीं, लगाने के बाद मालूम होगा। इसको ओपन करते हैं, GST प्रो का इस पर भी लोगो बना हुआ लिखा हुआ है। ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर दिया है बैटरी लगाने के लिए। ये सबको पता है कौन सा प्लस कौन सा माइनस है। इसके साइड जो होता है वो माइनस होता है, इस बैटरी का माइनस। प्लस पीछे लिखा है, तो प्लस पीछे एक बार हम ले जाकर मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, आज इसके बारे में कुछ जान लें। ये मल्टीमीटर आ गया और DC वोल्ट पर चेक सेट कर दिए हैं। अब देखते हैं बैटरी का प्लस कौन सा है। यह 1.5 वोल्ट का बैटरी है। इसका जो ये बॉडी है पीछे का, ये होता है प्लस, लिखा भी है इस पर। ये आगे का निगेटिव होता है। इसमें भी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाला प्लस, और ये जो है इधर माइनस है।
इसको हम लगा लेते हैं। ये मेरा बैटरी लग चुका है, अब इसको बंद कर देते हैं। मीटर लग रहा है क्योंकि आवाज़ जिस प्रकार कर रहा है उसका मीटर लग रहा है। तो माइक का वायर काफ़ी लंबा है, बहुत है, और यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है 3 मंथ्स वारंटी है, लिखा नहीं है वायर के बारे में कि कितना वायर है। रखते हैं, चेक करते हैं इसको माइक को, माइक कैसा है। ग्लास इसमें दिया है, बीच में है आप और स्मार्टफोन, ऊपर दिया है कैमरा। तो हमें क्या करना है, ऑफ पर क्लिक करना है। दोस्तों इस जो हमारा फ़ोन है वो वाला, उसमें वायरलेस माइक जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें वीडियो एडिटिंग करते समय आपको बताना पड़ेगा। उसी समय हम बताएंगे कि वायरलेस और वायर वाले में क्या अंतर है। हेलो दोस्तों, ये जो आवाज़ आ रही है ये वायर वाले माइक से है, जो वायर GST प्रो वाला है माइक उससे आवाज़ आ रही है। आप आवाज़ सुनकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा माइक बेहतर है। आप आवाज़ ध्यान से सुनिए और डिसाइड कीजिए वायरलेस वाला अच्छा है या वायर वाला। एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो माइक है मोबाइल में जब लगाएंगे तो बैटरी की ज़रूरत नहीं है, जब ये कैमरा में लगेगा तभी बैटरी की ज़रूरत पड़ेगा। मोबाइल के लिए बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो है वायरलेस माइक से बोल रहे हैं। सुन सकते हैं आप वायरलेस जो माइक है वो कैसा काम कर रहा है, वायर वाला अच्छा था या वायरलेस, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। दोस्तों आप आवाज़ सुन लिए होंगे दोनों का, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा माइक ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। जो अच्छा लगे वो आप चॉइस कर सकते हैं। आज का यही वीडियो था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।